हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी हद तक अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो बहुत खुशखबरी है, अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एटीएम कार्ड है वर्चुअल होता था, ठीक है। वो वर्चुअल आप यूज कर सकते थे, फोन पे गूगल पे जो बनाना था आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से बना सकते थे, ठीक है। अब आपको एक खुशखबरी आपको मिलने जा रहा है, अब आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। फिजिकल लॉन्च हो चुका है, ठीक है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अगर पहली बार ऑर्डर करेंगे आपको फ्री में ऑर्डर होगा, आपका एक पैसा भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम ऑर्डर करके बताएंगे, तो इस वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाकर ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप है उसे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। हम ऑलरेडी अपडेट कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको ओपन होगा, थोड़ा सा इस तरह का लोडिंग लगा और आपको क्या करना है, पिन डालकर आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। किसी तरह का लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो फ़ोन में ऑप्शन है यहाँ डेबिट कार्ड का, तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके अब जो फ़ोन में डेबिट कार्ड का ऑप्शन हो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मोबाइल पर ओपन हो जाए कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन आपको मिल चुका है, ऑर्डर डेबिट कार्ड और नीचे है आप सेट पिन डेबिट कार्ड, ठीक है। तो क्या करना, अगर सेट करना है ऑनलाइन आप सेट कर सकते हैं, आपको सेट पर क्लिक करके सेट करना है। सेट करने का अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। और यहाँ है ऑर्डर डेबिट कार्ड का, क्या करना, सिंपल सा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अगला इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ तरह का ओपन होगा। तो क्या करना है, पहला में आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, ठीक है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, इंटर लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, यानी आपके जो डेबिट कार्ड आप देखे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे या कुछ या डिटेल कॉपी किए होंगे, तो क्या करना है, जो लास्ट का 6 डिजिट है आपको इसमें फिल कर देना है, अकाउंट नंबर और यहाँ डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट आपको फिल कर देना है। चलिए हम सभी फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का आपको क्या करना है, यहाँ OTP डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो आपको क्या करना है, OTP आपको फिल कर देना है। चलिए हम OTP फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद क्या करना है, नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ लोडिंग लेगा, और यहाँ देख सकते हैं डेबिट कार्ड अप्लाई हो चुका है, डेबिट कार्ड और रेड सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप इसे ट्रैक कर सकते हो। तो क्या करना है, गो टू होम पर क्लिक करके आपको होम पर जाना है। चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट होम पर चले जाते हैं। होम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका डेबिट कार्ड ऑर्डर हो चुका है, आपको वेट करना है, आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये ATM कार्ड आ जाएगा। अगर आपके ATM कार्ड पोस्ट ऑफिस नहीं आता है तो आपको जो नियरेस्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच, उस पर जाना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।